क्वेश्चन नंबर वन का जी एच आई थ्री पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ उसमें ऐड कर देना पड़ता है और इसमें माइनस करना पड़ता है। तो 4 3 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आने वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जो 12 हो गया, तो 12 लिख लेते हैं, और इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो उस 3 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जो 9 हो गया, फिर माइनस लगा दिया यहाँ पे, और इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा। 3 4 जो 12, तो उस 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जो 4 हो गया तो 4, और यहाँ पे 9 में 4 चला गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, 5 बाय 12। तो यहाँ कटने वाला है नहीं, और ये बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब इसमें उसी तरह से है 6 3, इसका जो है एलसीएम अगर हम लेते हैं तो छोटा जो नंबर दिया हुआ है उसके टेबल में बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 6 हो गया। अब इस 6 को इस 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और उस 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 हो गया, फिर माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 3 2 6 हो गया, और उस 2 को 1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 5 में से 2 चला गया तो कितना बच जाएगा, 3 3 बाय 6, ये कट जाएगा, 3 3 2 6 हो गया, तो ऊपर में 1 नीचे में 2, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे 3 लेयर में दिया हुआ है, और लेकिन वर्क वही करना है, इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 4 और 2, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इससे आगे जाने वाला नहीं है, तो 3 2 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, इसका एलसीएम हम लोग को 12 मिल गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे लाइनिंग लेते हैं और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, अब इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 4 बार में गया तो 4 2 4 2 8 हो गया, प्लस करेंगे और फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 4 3 12, 3 बार में ही जा रहा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गया, प्लस अब यहाँ पे इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 6 बार में जा रहा है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 हो गया, और तो 6 1 6, तो 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया, 17 और 3 20 हो गया, और 3 23 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 बाय 12, और ये कटने वाला नहीं है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं या फिर हम इसको ही आंसर लग सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जे और के पार्ट है, तो यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, तो ये 3 लेयर में दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इजीली हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम करेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे करके देख लेते हैं, 2 3 6, अब यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जा रहा है, तो 1 हो गया, ये रह जाएगा 3, और 2 3 6 हो गया, अब यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया, मतलब 3 2 6 हो गया, इसका एलसीएम हम लोग को मिल गया 6। तो अब एलसीएम हम लोग इसको एक लाइनिंग लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6, अभी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 बार में जा रहा है, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, प्लस फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हो गया 2 बार में, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 5 और 1 6 आ गया, 6 बाय 6 हो गया, तो ये तो कट जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा, 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये हो गया। और के नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले सीधा करना होगा, 3 1 जा 3 हो गया, और 1 4 4 बाय 3 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, 11 बाय 3। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको बनाना काफ़ी आसान होता है, सिंपली वही नंबर हम लोग नीचे लेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया, 15 बाय 3, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 5 जा 15, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 5 ओनली 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एल एम और एन नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको सीधा करना होगा, यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 बाय 3 हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, 13 बाय 4, 4 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 14 4 जा, तो 28 4 56 56 होता है, 56, प्लस और यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 13 3 जा 36 34 39 हो गया यहाँ पे, 39, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो 6 9 कितना हो गया, 15, 5 हो गया यहाँ पे, 1 बच गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, 9 बाय 12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 95 बाय 12। उसके बाद इसको लेते हैं यहाँ पे, 5 5 डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो बनाना काफ़ी आसान होता है,
तो यहाँ पे सिंपली वही नंबर रख देते हैं 5, और जैसे ऊपर में जो नंबर है उसको वही रख देते हैं, साइन वही रहेगा। 16 में 7 चला गया तो यहाँ पे बच गया 9 9 बाय 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और n में यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम जो है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कुछ एलसीएम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 2 6 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 को 3 से तो 2 बार में जा रहा है, 3 2 6, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो गया, माइनस दे दिए यहाँ पे। इसको डिवाइड करेंगे 6 को 2 से तो 2 3 3 बार में जा रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 5 बाय 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।